हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए बात करते हैं, इस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि लोको पायलट बनने के लिए कौन कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन कौन सा कोर्स आसान होता है, कौन कौन सा कोर्स करना जरूरी है, तो कौन से कोर्स करने पर नहीं बन सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, 90% ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है वो लोको पायलट से रिलेटेड हैं, वो लोको पायलट वीडियो को देख करके हमारे चैनल तक आए हैं। तो अभिषेक कोचिंग सर्विसेज एक ऐसा चैनल है जो आपको लोको पायलट बनाता है। अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो आज की जानकारी ये है कि लोको पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स आपको करना बेहद ज़रूरी है, क्या करें। तो इन्हीं सब चीज़ के बारे में स्टूडेंट के बीच में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इस वजह से हमें वो फ़ोन करते हैं और हम सारे दिन उन्हीं लोगों का जवाब देते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोग हमें उस क्वेश्चन के लिए हमें फ़ोन ना कर सकें और कोई और चीज़ करने के लिए, कोई और चीज़ पूछने के लिए फ़ोन करें। तो कॉमन प्रॉब्लम है सभी स्टूडेंट्स की, तो आइए हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले कि आपको लोको पायलट बनने के लिए मैट्रिक करना जरूरी, मैट्रिक बोले तो 10th। अभी आप लोगों के मन में आ रहा कि नया शिक्षा नीति आया है उस पर क्या होगा, तो वो जो अभी लागू नहीं हुआ, वो सिर्फ आया है, वो 2023 में या फिर 2024 में जा करके लागू होगा। और लागू होगा भी या नहीं उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो बस सिर्फ आई है, ठीक है। उसमें बहुत सारे चेंजिंग हुआ तो अभी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई वैकेंसी के ऊपर या फिर कोई भी कुछ भी, तो उसके बारे में सोचना बंद करिए फिलहाल में। और चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि आप लोगों को मैट्रिक कर लीजिए या फिर इंटरमीडिएट कर लीजिए। अगर आप मैट्रिक कर लीजिए या फिर इंटरमीडिएट या फिर 12 कर लीजिए, और आप ग्रेजुएशन है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपका मैट्रिक होना चाहिए। मैट्रिक नहीं है तो कोई मतलब, मैट्रिक कम से कम मैट्रिक होना ही चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैट्रिक मेरा नहीं, मैंने तो इंटर कर लिया, क्या मैंने 12 करने के बाद या फिर इंटरमीडिएट करने के बाद क्या हम ITI कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ITI करने के लिए आपका मैट्रिक ही काफ़ी है। अगर इंटर हो गया कोई दिक्कत नहीं, तब भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप ITI कर सकते हैं। तो आप मैट्रिक हो या फिर इंटर में हो या फिर ग्रेजुएशन में हो, कोई भी क्लास में आप पढ़ाई करते हैं उसके बाद आप ITI कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं। अगर आप ITI नहीं करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो इसके बीच में हम एक डिफरेंस बताते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट ही बनना है, लोको पायलट छोड़ के दूसरा चीज़ नहीं बनना है, तो आप ITI कर लीजिए। ITI एक आसान सा कोर्स है, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक के मुकाबले में, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा में थोड़ा सा हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, वो थोड़ा सा टफ कोर्स है। लेकिन ITI एक आसान सा कोर्स है, इसको कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, जिसका मैथ साइंस कमज़ोर भी है वो स्टूडेंट भी इसको कर सकता है। और पॉलिटेक्निक करने के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कौन सा स्टूडेंट को पॉलिटेक्निक करना चाहिए, तो ये जान लीजिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट ही बनना है तो ITI काफ़ी है। और ITI की जो सबसे बेस्ट ट्रेड होती है वो होती है इलेक्ट्रीशियन, नंबर टू होती है फीटर, तीसरे के बारे में सोचिए नहीं। अगर ये दो ऑप्शन नहीं मिले तो आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कर सकते हैं, या फिर एक साल वाली सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा ट्रेड है वो है डीजल मैकेनिक, जिससे आप लोको पायलट बन सकते हैं। अगर आप करना ही है तो आप इलेक्ट्रीशियन करिए, अगर इलेक्ट्रीशियन ना मिले तब आप फीटर के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नंबर वन इलेक्ट्रीशियन। चलिए आपकी कन्फ्यूजन हो गई दूर। अगर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करने के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको करना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यही दो में से कोई भी एक चुनिए वैसे आपकी पसंद। अगर लोको पायलट बनना है या फिर नौकरी करनी है कहीं ना कहीं, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग नंबर टू पे, और नंबर थ्री पे आप दूसरा भी कर सकते, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल होती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन होती है एक ब्रांच पॉलिटेक्निक में, या फिर BTech करना चाहते तो आपको, अगर BTech वगैरह करना है तो आपको पास तो इतना जानकारी होगा ही, तभी तो आप BTech करिएगा, तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये सब है। कौन कौन सा ऐसा ट्रेड है या फिर कौन कौन सा ऐसा ब्रांच है जिसको करने के बाद आप लोको पायलट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, रेलवे उसको अलाउ नहीं करता है, तो वो है आपका सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से आप डिप्लोमा किए या फिर BTech कर लिए तो आप लोको पायलट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप IT सेक्टर से हैं या कंप्यूटर से हैं तब भी आप लोको पायलट नहीं कर सकते, नहीं बन सकते, आपको फॉर्म भरने का अलाउ ही नहीं होता। हाँ, भले आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारा कंफ्यूजन हो गया हो दूर, बस आपको आईटीआई करें या फिर पॉलिटेक्निक करें या फिर बीटेक करें, तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको अच्छा लगे वो कोर्स आप वो कर लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आसान सा कोर्स है वो है आईटीआई। आप अगर आपकी उम्र कम है, 22 साल, 23 साल, 24 साल से कम है, तो आप 2 साल वाली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आप आईटीआई कर लीजिए, या फिर नंबर टू आपका सॉरी फीटर फीटर ट्रेड होती है। और मैं डीजल मैकेनिक आप लोगों को करने के लिए नहीं बोलता हूँ, डीजल मैकेनिक करने के लिए मैं वैसे स्टूडेंट को ही बोलता हूँ जिसका उम्र जो है 26 साल के ऊपर हो गया है, या फिर कम उम्र भी है और उसको दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है, डीजल मैकेनिक मिल रहा है, तब उसको डीजल मैकेनिक करना चाहिए। अगर उसका अगर किसी स्टूडेंट का उम्र 26 साल से ज़्यादा हो गया तो उसको मैं बोलता हूँ आप डीजल मैकेनिक ही करिए, क्योंकि आपका 1 साल बचेगा, क्योंकि आपका उम्र भी एक्सपायर होने वाली है रेलवे के फॉर्म में। तो ये रही बातें, और अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी, समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक के लिए हम इस सब चीज़ को चलाते हैं। अब रही बात तैयारी की, अगर आप उन लोगों को पायलट तैयारी करते हैं या फिर इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबका सिलेबस लगभग में सेम ही रहता है, और उन सब के लिए मैंने किताबें लिखी है मास्टर नोट्स। तो आप लोग मास्टर नोट्स को खरीदिए, और इस मास्टर नोट्स का जो प्राइस है अभी वो 999 के चल रहा है, यानी कि 999 रुपये का अभी चल रहा है। अभी अगस्त 2020 मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि तो हो सकता है ये जो वीडियो है, हो सकता है 3 साल के बाद कोई स्टूडेंट देखे और उस टाइम इसका प्राइस कुछ और हो, तो वो हमें बता सकता है कि अरे यार आप तो 999 बोले वीडियो में, लेकिन वीडियो में ऐसा थोड़ा नहीं पता चलता कि वो वीडियो कब का बना हुआ है। तो अगर आप हमारे कोई पुराने वीडियो को देख रहे हैं, 4 साल पुराने वीडियो को, तो उसका प्राइस कुछ अलग होगा, अभी का प्राइस कुछ अलग होगा। और ये जो प्राइस होती है वो 1 सप्ताह के लिए होती है, अगर आप इस 1 सप्ताह के अंदर ये सब वीडियो देख रहे हैं तो आपको प्राइस मिलेगी 999 की। मास्टर नोट्स का फुल सीरीज मिल रही है, वो बहुत ही कम कीमत में मिल रही है। इसी का कीमत आप 1 सप्ताह पहले जाके देखिए तो उसका कीमत है 2500 रुपये। तो आपको ये 999 रुपये का आपको मास्टर नोट्स मिल रहा है, इसको आप लीजिए। और हाँ, आपको अगर लोको पायलट की जानकारी चाहिए बिल्कुल फ्री में, करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री में चाहिए, अगर आपको कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया और आपको उसी समय नोटिफिकेशन चाहिए आपके मोबाइल पे, तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने बनाई वो एप्लीकेशन, उसका नाम है स्मार्ट वीडियो कोचिंग। उस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके सर्च करके उसको डाउनलोड करके अपने पास रखिए, उसमें डेली अपडेट होती है लोको पायलट संबंधी जानकारी, करंट अफेयर संबंधी जानकारी, और एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी अपडेट आएगी, कोई रिजल्ट आया या कोई एडमिट कार्ड आई या फिर कोई कुछ भी चेंजिंग हुआ, तो वो सब चीज़ वहाँ पे आ जाएगी। तो आप उस एप्लीकेशन को, स्मार्ट वीडियो कोचिंग को जरूर जरूर डाउनलोड करिए। और तब तक के लिए इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आप अपना लाइक जरूर छोड़ के जाइए, और अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जरूर से जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच, और मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही जल्द से आप लोगों को इस अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे हमारे द्वारा पढ़ाया गया बहुत सारे चैप्टर का आपको बिल्कुल फ्री वीडियो मिलेगा। वैसे जितने भी सारे वीडियो हैं वो सब स्मार्ट वीडियो कोचिंग के स्टूडेंट को मिल रही है। तो अगर आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वैसे आप लोग तैयारी के लिए हमारा मास्टर नोट्स मंगवा ही रहे हैं, और साथ में आप स्मार्ट वीडियो कोचिंग लें तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। चलिए इस वीडियो को बस यहीं तक एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि जल्दी जल्दी हम अगले वीडियो लेके आ जाएं।